यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको बहुत ही एक नया जगह का अनुभव होगा और यहाँ पे बैठने के बाद आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। हाँ भैया, आपके यहाँ बहुत कम रेट में बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया जा रहा है, तो क्या ऐसा निर्देश रेलवे का है सर? नहीं नहीं, ऐसा रेलवे का निर्देश नहीं है। ये मेनू चार्ट हमारे जो इस प्रोप्राइटर है उनका निर्देश है कि कम दाम में झाझा के लोगों को ये मुहैया कराया जाए, क्योंकि झाझा के लोग जो है बहुत कस्बे से दूर दूर से लोग आते हैं, इसी कारण से जहाँ का जो रेट है 50 रुपये में छोले भटूरे व्यवस्था करना, 70 रुपये में डोसा और 60 रुपये में शुद्ध शाकाहारी 5 तरह के व्यवस्था के साथ में है इसमें। तो ऐसा आपके भी दिमाग में होगा ना कि रेलवे बोगी में मतलब रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो ऐसा मतलब कैसे मन में आया, इस पर कुछ बोलिए। नहीं नहीं, ये हमारे मन में तो पहले से ही था ही, और बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहाँ जहाँ बी ग्रेड का स्टेशन है वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ जगह है पड़ा हुआ, उस जगह पर इस तरह का रेस्टोरेंट खोलने का है। और लगभग आप देख रहे होंगे बिहार में ऐसे 4 जगह ये खुल गया है, और बिहार में सबसे सुंदर अगर रेस्टोरेंट में गिनती आती है तो अपना झाझा का आता है। झाझा को काफ़ी जगह मिला है इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, और बहुत सुंदर ढंग से यहाँ डिज़ाइन किया गया है। आप देख रहे होंगे हम लोग हरियाली पर पूरा फोकस किए हुए हैं, काफ़ी यहाँ हरा भरा आपको लग रहा होगा, और यहाँ छोटा 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 देखिए काउंटर टाइप हम लोग बनाए हैं, किचन से बन के खाना आता है, किचन से बन के स्वादिष्ट व्यंजन आती है, काउंटर पर जाता है, काउंटर पर लोग जा कर के अपना जैसे कि चाट खा ले या मिठाई खा ले या फिर पनीर मोमोज खा ले, जूस पी ले, हर काउंटर में अपना जा जा के लोग ले सकते हैं। मतलब एक छत के नीचे बहुत सारे भोजन की व्यवस्था है, बहुत सारे नाश्ता की व्यवस्था है, तो बहुत अच्छा लोगों को यहाँ लग रहा है। बाकी तो सब यहाँ के आसपास के लोगों का पर निर्भर करता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लखीसराय से लोग आ रहे हैं, देवघर से लोग आ रहे हैं, जम्मू से काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो दूर दूर से लोग आ करके इस नए रेस्टोरेंट को देखने के लिए कम से कम आ रहे हैं। सर, आपका रेस्टोरेंट नया है, नया डिजाइन है और एक नया अनुभव है कि बोगी में मतलब कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने का। सर तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन सर आपका मर्जी तो बता दें, लगभग किराया कितना आपको पड़ जाता होगा सर? लगभग 1,06,000 रुपये मंथली किराया है, और लगभग 25 से 30 हज़ार बिजली बिल भी है, किराया काफ़ी है। और एसी आपका 4 बजे चालू होता है? हाँ, मेनली क्या है कि बिजली काफ़ी है, सरकार का जो 11 रुपये कुछ पैसा यूनिट है रेलवे का, हम मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर बिजली महंगा है तो वो रेलवे का महंगा है। और आपको मैंने अभी बताया ना, 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति माह बिजली आ रही है, उससे ऊपर भी कभी कभी आ जा रही है, इसी कारण से दिन में भीड़ कम रहती है। और यहाँ के झाझा में या जम्मू जिला का जो लोग है वो शाम में संध्या 3 बजे के बाद लोग आते हैं, तो 3 बजे से यहाँ एसी चलना स्टार्ट हो जाता है। आपका रेस्टोरेंट कितने बजे से रात कितने बजे तक खुला रहता है? ये 24 घंटा खुला रहता है, हमेशा खुला ही समझिए। लेकिन मेन भीड़ लोगों का आवाजाही शुरू होता है शाम 4 बजे से, 3 बजे से, इसलिए एसी भी आपका 3 बजे संध्या से चलती है रात तक। ठीक है, अपना रिपोर्ट यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।